अगर दोस्तों आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही दोस्तों आप लाइक या डिसलाइक करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तभी आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आप इसे या लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप प्लीज प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो गाइस, मैं हूं फाक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मनोज दे के बारे में। दोस्तों मनोज दे कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक छोटी लड़की को अपने साथ बैठाकर उसका प्रमोट किया था। दोस्तों उससे भी पहले एक वीडियो और मनोज दे ने अपलोड किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब किसी का प्रमोट नहीं करने वाला, मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूं और मैं बहुत ही परेशान होने के कारण मैं अपना वीडियो भी नहीं बना पाता हूं, इसलिए मैं अब किसी का कितना भी रिक्वेस्ट कर ले अब प्रमोट नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों टेक विथ प्रिया जो कि एक छोटी सी लड़की, उसका उन्होंने प्रमोट क्यों किया, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनोज दे क्या बोले थे, मैं आपको वो वीडियो दिखा देना ही चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों ये क्या बोले, ये आते हैं कि यहां पर आने से ही मनोज भाई कुछ हेल्प करेंगे, कुछ प्रमोट कर देंगे, ये कर देंगे। अब यहां पे मैं हाथ जोड़ करके आज क्लियर आप लोगों को एक जवाब देता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो सबको ही देख रहे हो। अभी मैं हाथ जोड़ कर जवाब देता हूं, अगर कोई इस उम्मीद से आते हो कि मैं यहां पे प्रमोट कर दूंगा आपका चैनल को या फिर कुछ कर दूंगा, तो प्लीज भाई मत आना, मैं नहीं करूंगा। अगर कोई, अब मैं ये क्यों नहीं करूंगा मैं बता देता हूं। दोस्तों देखिए, अगर एक लड़का आकर के मुझे बोलता है प्रमोट करना, अगर मैं उसका नहीं करता हूं तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन एक बुरा मानने से मैं 10 लाख लोगों को तो अच्छा मानेंगे वो मुझे। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि जो मेरे घर नहीं आ पाते हैं, जो मुझे ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं, उनका भी तो उतना ही उम्मीद होगा। जो लड़का मिलने आ रहा है, जो वो उम्मीद लगा के आ रहा है कि मनोज भाई हेल्प कर देगा, तो जो मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर है जो मुझे ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं, उनका भी तो उतना ही उम्मीद होगा। इसलिए अगर कोई इस उम्मीद से इस अब आओगे अगर मेरे घर पर कि प्रमोट कर देंगे या फिर कुछ भी, मैं वीडियोज भी शूट नहीं करूंगा आपके साथ, मैं ये कहना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं किसी एक बंदे के साथ यहाँ पर वीडियो शूट कर लेता तो फिर वो वीडियो देख करके और 1000 लड़के आ जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि इसका वीडियो जो है वायरल हो गया मनोज भाई के साथ बना करके, चलो मैं भी चलता हूँ मनोज भाई के साथ एक वीडियो बना लेता हूँ। आप मेरे तरफ से सिर्फ सोच करके देखिएगा, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज अभी मुझे थोड़ा सा शांति दो, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप अब मत आना मेरे घर इस उम्मीद से कि मैं प्रमोशन करूंगा, ये मैं करूंगा ही नहीं। अभी मैं वीडियो पे बता दिया, अगर कोई आकर के बोलते हैं तो मैं उनको सीधे जवाब दूंगा कि मैं नहीं कर सकता। फिर आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अकेले बुरा मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे 10 लाख लोगों को खुश कर रखना है। तो दोस्तों देख लिए आप लोगों ने कि इस वीडियो में मनोज दे ने क्या किया कि मैं अब किसी का चैनल प्रमोट नहीं करने वाला। दोस्तों उसके बाद भी इस टेक विथ प्रिया का चैनल प्रमोट किया। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो टेक विथ प्रिया का चैनल मनोज दे ने प्रमोट नहीं किया, उसे हेल्प किया। तो दोस्तों वो कैसे हेल्प किया, तो दोस्तों टेक विथ प्रिया ने खुद से अपने चैनल को पहले ही बड़ा कर रखी थी। दोस्तों 4000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच आवर भी पूरा करके वो अपना चैनल मोनेटाइज भी कर ली थी। तभी मनोज दे के लगा कि वो लड़की थोड़ा मेहनती है और उसे सपोर्ट की जरूरत है, तभी मनोज दे ने उसे सपोर्ट किया, जो कि बिल्कुल गलत बात नहीं है और ये बिल्कुल सही है कि जो मेहनत करता उसका सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ेगी। दोस्तों इसी प्रकार उस लड़की का मनोज दे ने सपोर्ट किया और वो लड़की का सब्सक्राइबर थोड़ा स्पीड में बढ़ा। और अगर दोस्तों मान लें कि मनोज दे उसे सपोर्ट नहीं करता तभी भी उसका चैनल बड़ा होता। दोस्तों जिस प्रकार उसके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ रहा था उस प्रकार उसका चैनल थोड़ा स्लो ही मगर फास्ट, मतलब स्लो ही उसका चैनल ग्रो होता, लेकिन दोस्तों उसका जरूर ग्रो होता। लेकिन दोस्तों आप लोग जो कहते हैं कि मेरा चैनल प्रमोट करता, दोस्तों आप लोग ने क्या करता है कि अपने चैनल पर तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरा किए रहते और 5-10 व्यूज लाते और आप बोलने लगते हैं कि मेरा चैनल प्रमोट करता। दोस्तों ऐसे में आपको क्या कहा जाएगा कि नहीं, आपका चैनल मैं अभी प्रमोट नहीं कर सकता, आपको अभी मेहनत की जरूरत है, आप मेहनत करेंगे तभी आपके चैनल को प्रमोट किया जाएगा। अगर दोस्तों आप मान लें कि आप अपने वीडियो को नहीं, मतलब कि अच्छे तरह शूट नहीं करते, आप अपने वीडियो पे मतलब कि कंटिन्यू नहीं रह पाते, फिर भी दोस्तों अगर आप मान लें मनोज दे के पास जाते तो मनोज दे कितने भी वो अपने वीडियो बनाए हुए थे कि मैं आप किसी का प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कई लोग उनसे मिलने गए, उसका मनोज दे ने प्रमोट किया, वो अपने इंस्टाग्राम से लेकर अपने यूट्यूब चैनल तक वो अपने प्रमोट किया, ब्लॉग वाला चैनल पे भी कई लोगों का उन्होंने प्रमोट किया उसके बाद भी, उस वीडियो के बाद भी। तो दोस्तों आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों के साथ वो गद्दारी किए, वो हम लोगों के साथ गलत किए। दोस्तों इसीलिए उन्होंने टेक विथ प्रिया को
प्रमोट किया और वो मेहनती थी दोस्तों, ये कोई गलत नहीं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि टेक विद हिपीडिया पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है। दोस्तों आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक चैनल है जिसमें एक लड़का ने टेक विद हिपीडिया को बहुत सारा मतलब क्या बोले बहुत सारा रोस्टिंग करके ऐसा ऐसा मतलब वर्ड बोला है जो कि मैं बोल नहीं सकता। दोस्तों आपको उस चैनल का जो नाम है मैं आपको बगल में दिखा रहा हूँ। दोस्तों ऐसा उसे नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों ऐसे कोई भी अपना चैनल जो रोस्टिंग का खोलता है तो दोस्तों ऐसा रोस्टिंग नहीं किया जाता। दोस्तों जो गलत किया रहा था उसे रोस्ट किया जाता है, जो कुछ गलत करता रहा था उसे रोस्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि जो अच्छा कर रहा है, जो आपको कंटेंट अच्छा दे रहा है, जो आपको रोज दिन वीडियो अच्छा अच्छा अपलोड करके दे रही है मतलब वो लड़की, उसे कैसे रोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत है। और आज टेक विद प्रिया ने 23 मिनट कुछ सेकंड का मतलब वीडियो बनाई जिसमें उसकी मम्मी उसके दादाजी दोनों बहुत ही रिक्वेस्ट करे कि प्लीज ऐसा आप लोग ना करें नहीं तो मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि एक छोटी सी लड़की जो कि बहुत ही मेहनत करती है और रेगुलर वीडियो अपलोड करती है उसके साथ ऐसा हो सकता है क्या? तो दोस्तों आप लोग ही आप इसका फैसला करें और मैं आपको चैनल जो बगल में दिखा दिया उसके चैनल पे जाए और इस वीडियो को आप लोग रिपोर्ट करें जिससे कि उस वीडियो को रिमूव YouTube कर दे। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी दया हो टेक विद पीडिया पे तो आप लोग जाकर प्लीज उसे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों आप लोग से ही इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको उसे सपोर्ट करना तो उसे जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने तो सपोर्ट कर दिया, उसे रिपोर्ट भी उस वीडियो का कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद।